हाय ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी घर में ही मार्केट जैसे सॉफ्ट पनीर कैसे बना सकते हैं। सो, जो भी मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल में जाइए, इंडियन यूट्यूबर आइरीन, और ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है इसे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, और उसके बाद ये मैसेज आएगा, यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशन। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क और 1 पूरा नींबू, मीडियम साइज़ का नींबू का रस। तो पहले इस मिल्क को बॉयल कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह हम बॉयल कर लेंगे। एक बॉयल आ जाने पर हम इसे जो है नींबू का रस इसमें मिला लेंगे, और ये मिलाने के बाद ही देखिए पनीर बनने लगा है। तो इस तरह से पनीर बन जाएगा। ये जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तब हम एक बोल लेंगे और एक साफ कपड़ा या मसलिन क्लोथ लेंगे, इस पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। ये पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे और जितना भी एक्सेस पानी है हमने अलग कर लिया है। और इस तरह से पनीर को एक शेप दे दीजिए। आप इसे स्क्वायर शेप में रख सकते हैं या राउंड शेप में रख सकते हैं। इस तरह से इसे मोड़ लीजिए और कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर रख लीजिए। मैं इसके ऊपर एक चकला रख रही हूँ। इसे हाफ एन आवर के लिए मैं ऐसे ही रख दूँगी। हाफ एन आवर के बाद मेरा पनीर बन गया है। देखिए कितना सॉफ्ट पनीर बना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।